सहायक क्रिया, इसको हम स्पोकन में बोलेंगे
टाइमर, क्या बोलेंगे? टाइमर, जो वर्ड हमें टाइम टाइम देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलेंगे? टाइमर। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या क्या होती है? देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, डू, डस, विल, शैल, हैज, हैव, डिड, डू, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन। इसी तरह से हमारी, ये हमारे साथ ग्रामर लैंग्वेज की है, विल, हैव, शैल, हैव, ये सब हमारी ग्रामर लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब होती है। इन सब का यूज हम अलग अलग सेंटेंस में करते हैं, पहचान है हम सबकी अलग अलग, लेकिन जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में जो है, स्पोकन इंग्लिश में हम इन सब का यूज नहीं करते हैं। ओनली फॉर 9 टाइमर्स ही यूज होते हैं। कितने? 9 टाइमर्स। हाँ, 9 टाइमर्स, ओके, 9 टाइमर ही यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। अब वो 9 टाइमर्स कौन कौन से? देखिए, इज, एम, आर, डू, डस, हैज, हैव, डिड, एंड विल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टाइमर ही हम यूज करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में। इज, एम, आर, डू, डस, हैज, हैव, डिड एंड विल, ये 9 टाइमर ही आपको पूरे स्पोकन इंग्लिश में मिलेंगे। इन्हीं 9 टाइमर्स पर आपको अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के जितने भी सेंटेंस है इन्हीं पर लिए। और भी काफी आती है, जैसे हमारी शुड है, विल हैव, शैल हैव है, और काफी सारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमारे जो स्पोकन में है वो सिर्फ हम इन 9 टाइमर्स का ही यूज करेंगे। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, डिड एंड विल, 9 टाइमर्स ही आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में आपको हेल्प करेंगे। सेंटेंस इन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं। अदर सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब वो हम ग्रामर से सीख कर आते हैं, बट हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में है वो सिर्फ 9 टाइमर ही यूज करते हैं। तो आपको हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कहां पर कैसे यूज करते हैं। देखिए ग्रामर में क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होता है? ग्रामर लैंग्वेज से ये तो हमारा, ठीक है। अब स्पीकिंग में क्या बोलेंगे हम? डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस एक्शन और अदर पार्ट, जितना भी हमारा अदर पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हम इसको, ये इसको अपन इंग्लिश में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट को हमने डूअर बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब को टाइमर बोल दिया, और हमारे जो मेन वर्ब है उसको एक्शन बोल दिया, या ऑब्जेक्ट है या अदर पार्ट है। इस तरह से हम अपने ग्रामर लैंग्वेज से इस रूप से करा लेंगे फॉलो, और हमारे स्पोकन में हम इस तरह से सारे जितने सेंटेंस है इस तरह से बना लेते हैं। आई होप आपको मेरी बेसिक नॉलेज की सारी पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।